ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह, सिद्धार्थ नगर बीएमसी हिंदी स्कूल का शिक्षक हूं और आज का हमारा इतिहास विषय है और आज का लेसन है स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ। और इसको हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था, इसके पहले हम लोग पढ़े 1857 का जो जो लड़ाई हुई और उसमें संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो उसके बाद स्वतंत्रता युग आंदोलन का एक नया इतिहास शुरू हुआ और जो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव हमारे समाज पर हुआ था उसके चलते हुआ। और अंग्रेजी शिक्षा के भारतीय समाज पर क्या परिणाम हुए उसका असर हमको इस कालखंड में देखने को मिला है। और ये जो नया शिक्षित समाज था उसने देश में पुनर्जागरण किया और उससे राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण हुआ और अलग अलग प्रदेशों में जो आंदोलन चलते थे उसके चलते अलग अलग प्रांतों की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसको एक सूत्र में बांधकर और इसको विभिन्न जो गुट थे उनको राजनीतिक रूप से जागृत किया गया, अन्य लोगों को इकट्ठा किया गया और राष्ट्रीय समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया और इससे संपूर्ण भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता थी और उसके लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। इस तरह जो अंग्रेज हमारे देश में आए उन्होंने जो हमारे देश में नई शिक्षा पद्धति को डेवलप किया उसमें इंग्लिश से पढ़े हुए लोग जो आगे आए हमारे देश के नौजवान थे उन्होंने बहुत सारे कोशिश करके देश को संगठित किया और एक आंदोलन चलाने की कोशिश की। अंग्रेजों को भी जरूरत थी एक केंद्रीकृत इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक तंत्र की। उस केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को इकट्ठा करके जिससे संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध के चलाया जा सके उन्होंने लोगों के बीच में संपूर्ण देश में एक समान नीति विधि के सम्मुख सभी एक समान बातों के कारण लोगों में एक राष्ट्रीयता की जो भावना विकसित करने की कोशिश हुई उसमें और उससे हमारा देश में जो नए पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान किया। अंग्रेजों ने उसके लिए प्रशासनिक सुविधाओं के लिए सेना को यहाँ वहाँ पूरे देश में जिससे उनका मूवमेंट हो सके इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया, देश में सड़क और रेल इसका जाल बिछाया। आप सभी को मालूम है जैसे कि हमारे बच्चों देश की पहली ट्रेन 1853 में देश की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली और उसका प्रसार अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश में किए और इससे भौतिक सुविधाओं का लाभ सभी भारतीयों को मिलने लगा और अलग अलग प्रांत के लोगों का आपसी संबंध बढ़ा, उनके बीच संवाद हुआ और एक साथ राष्ट्रीय भावना भी बढ़ने लगी। ये अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था इस तरह के चीजों को करने के पीछे यह भी हमें समझना होगा। हमारे देश में जो राष्ट्रीय भावना बढ़ी है उसका ये उद्देश्य अंग्रेजों का नहीं था कि जो रेल और सड़क मार्ग बढ़ाए, उनका उद्देश्य था देश के संसाधनों का शोषण करके अपने देश में अपने राष्ट्र को जो औद्योगिक क्रांति के काल से गुजर रहा था उससे आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से
अंग्रेजों ने हमारे देश को एक तरह से आर्थिक शोषण के भावना से किया, लेकिन हमारे देश में एक और भावना साथ में बढ़ गई जो राष्ट्रीय भावना थी कि हमारे देश के लोगों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी की एक भावना का विकास हुआ और जो आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ, स्वतंत्रता के आंदोलन के रूप का एक तरह से प्रारंभ हो गया। और आगे हम देखते हैं कि अंग्रेज किस दृष्टि से आए, क्या सोचते, लेन केन प्रकार, किसी भी तरह से भारतीय संपत्ति, भारतीय संसाधन का प्रवाह अंग्रेजों के देश इंग्लैंड की तरफ हो, वहां पर जो औद्योगिक क्रांति थी उसको सपोर्ट मिले और इंग्लैंड की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसके चलते हमारे देश में आर्थिक शोषण होने लगा। वो बहुत ही बलपूर्वक हमारे देश के किसानों को नगदी फसल पैदा करने के लिए, नगदी फसलों का उत्पादन करने के लिए बाध्य करते थे, व्यापारिक फसलें पैदा करने के लिए बाध्य करते थे, जैसे चाय की खेती हुई, बिहार में नील की खेती हुई और इस तरह की बहुत सारी चीजों पर उन्होंने दबाव बना के किसानों से उसका प्रोडक्शन करने के लिए कहा। और बार बार जो अकाल आता था जिसके कारण भारतीय किसानों की रीढ़ की हड्डी वो बेचारा गरीब होता गया और किसान गरीब होते होते मजदूर हो गया, उसको तमाम तरह की परेशानियां आने लगी। और पारंपरिक उद्योग धंधे थे जो हमारे देश के, वो भी नष्ट होने लगे। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था लाभ कमाना, वो एक व्यापारिक कंपनी बन के आए थे, बाद में देश पर कब्जा करके शासन भी करने लगे, उसके बाद भी अपने एक उद्देश्य को कभी नहीं भूल रहे थे कि उनको केवल केवल लाभ कमाना है, आर्थिक शोषण करके इंग्लैंड ले जाना है। तो उसके चलते हमारे देश की जो पुराने उद्योग धंधे थे छोटे, उसमें कमी हो गई और लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई और अंग्रेज हमारे देश के संसाधनों से धनी बनते चले जा रहे थे। ये आर्थिक शोषण। और बीच में अकाल, महामारी, इससे किसान हमारा गरीब होने लगा। और एक चीज का और उदय हुआ, एक वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपतियों के वर्ग का, पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। और उस समय देखिए साहित्य में भी लोगों ने एक आंदोलन जैसी कविताएं भी लिखी, सुन बे गुलाब खून चूसा तूने पत्तियों का, डाल पे बैठा मुस्कुरा रहा कैपिटलिस्ट, इस तरह की कविताएं लिखी जाती थी। गुलाब को एक प्रतीक रूप में माना गया। गरीब ने क्या, पूंजीपतियों ने क्या किया कि जो श्रमिक वर्ग का शोषण करना शुरू कर दिया और जो मध्य वर्ग था, बीच में जो कमाने खाने वाले लोग थे, उन पर नए नए टैक्स लादे जा रहे थे और जिससे हमारे देश में बड़े ही असंतोषप्रद वातावरण निर्मित होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो युग था उसको गति मिलने लगी, उसको और भी तेजी से लोग संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आने लगे। अब हम देखते हैं कि इस पश्चिमी शिक्षा का जो प्रसार हुआ उसमें एक चीज और आई, न्याय, स्वतंत्रता, समता और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जैसी डेमोक्रेसी का अर्थ होता है बच्चों, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऐसा शासन होता है जो जनता के द्वारा चलाया जाता है, यह डेमोक्रेसी का लक्ष्य। ये पश्चिम देशों में पहले हो चुका था, लेकिन ये पश्चिमी शिक्षा का जब प्रसार हुआ उसके चलते हमारे देश में न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, ऐसा जीवन जीने के लिए, मानवता, लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें,
मनुष्य मनुष्य के साथ समानता के धरातल पे रहे और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, इन नई संकल्पनाओं से हमारे देश के लोगों का परिचय हुआ। ऐसा नहीं कि ये संकल्पनाएं देश के हमारे लोगों के पास एकदम नहीं थी, उनके दिलों में हमारे प्राचीन सांस्कृतिक जो धरोहर थी उससे चला आ रहा था। बस इससे एक पर्दा हट गया और लोग का दिमाग खुल गया और भारतीय भारतीयों में जो बुद्धिवादिता, विज्ञान निष्ठा और मानवता, राष्ट्रवाद जैसे मूल्य अपने आप आने लग गए और इससे भारत जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वह जो है आगे बढ़ा। लोगों ने ऐसे मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात किया और हमारे देश को चलाने में हम सक्षम हैं, ऐसी बात उन लोगों के मन में आई और इस आधार पर हमारे देश की उन्नति करनी चाहिए, हम खुद कर सकते हैं, यह भावना हमारे लोगों के बीच में आई जो स्वतंत्रता आंदोलन के युग थे। ये बहुत ही संगठित रूप से आने के लिए फायदेमंद साबित हुई। एक चीज और है, हमारे देश में अलग अलग देश है, हमारा देश विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न वेशभूषा और विभिन्न समाज में रहने वाले लोगों का एक सामूहिक राष्ट्र है और इस राष्ट्र में इस विभाषाई विविधता से संपन्न जो हमारा देश है, इंग्लिश भाषा सीखने के चलते एक संपर्क का नया माध्यम है। लोग एक दूसरे के विचारों को बहुत अच्छी तरह समझने लगे, जो नव शिक्षित समाज था वो समझने लगा और एक दूसरे के संपर्क में आए। आगे हम देखते हैं बच्चों, हमारे देश के कुछ लोगों का विचार था कि हमारे देश में पहले ही से हमारी महान संस्कृति है, उसमें सब कुछ भरा पड़ा है, वो लोगों को उससे जागृत करना चाहिए। इसके लिए देखिए कोलकाता में अंग्रेजों ने एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कोलकाता जो बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल हमारा हमारे देश का एक राज्य है और वहाँ की राजधानी कोलकाता है, वहां पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और हमारे कई भारतीय विद्वान, पश्चिमी विद्वानों ने मिलकर हमारी संस्कृति का अध्ययन किया गया। मुझे याद है 1800 में आचार्य ग्रियर्सन के नेतृत्व में कोलकाता में, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ इसलिए, आचार्य ग्रियर्सन के नेतृत्व में एक कॉलेज की स्थापना की गई जो हमारे देश की विभिन्न भाषाओं के बारे का वैज्ञानिक ढंग से लिपिबद्ध और पढ़ने उसको छापाखाना के चूंकि आविष्कार हो चुका था इसलिए उसको लिपिबद्ध करके आगे बढ़ाने का और उस पर शोध करने के लोगों के लिए संगठित किया गया। और वो शोधकर्ता सभी इंग्लैंड के ही नहीं थे, हमारे देश में भी बड़ी प्रतिभाएं थी, सबको वहां आमंत्रित किया गया और उन्होंने इसमें बहुत अमूल्य योगदान दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर भाव दाजी लाड और डॉक्टर राघव भांडारकर जैसे कुछ स्थानीय विद्वान प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और उसके चलते हमारी प्राचीन और संपन्न विरासत जो प्राप्त है इसका बोध हमारे भारतीयों में होने लगा, इस अस्मिता का जागरण हुआ और लोगों के मन में आया कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, हम उसको लेके आगे बढ़ें। आज भी पुणे में भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर संस्था विगत 100 वर्षों से कार्यरत है और आज भी है और हमें आज भी अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति सजग और सजग रहना चाहिए और हमेशा उस ये नहीं सोचना है कि हमारी संस्कृति कभी भी किसी से कम रही। हमारी देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है, अयम निज परो वेति, बड़ा संस्कृत में है, यह अपना है यह पराया है, गणना लघु चेत साम, इसकी गिनती छोटे दिलों वाले करते हैं, उदार चरिता नान तु वसुधैव कुटुंबकम, इस वाक्य को लेके चलती है। और इस तरह से प्राचीन विद्वानों में जैसे हमारे भांडारकर साहब थे, उन्होंने भारतीय प्राच्य विद्या को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान किया,
और आगे हमारे देश में समाचार पत्रों का कार्य क्या था। देखिए सबसे बड़ी चीज प्रेस का आविष्कार हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस का जब से आविष्कार हुआ तब से समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के विचार चारों तरफ आने लगे, लोग नए नए बातों से अवगत होने लगे। तो इसी समय देश अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी और इन समाचार पत्रों द्वारा राजनीतिक सामाजिक जागृति भी होने लगी। अब ये समाचार पत्र मुख्य रूप से कौन कौन थे उस समय, इतना ज्यादा नहीं थे फिर भी बहुत सारे निकले, दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, ये इसमें से बहुत से आज भी सक्रिय हैं और छपते हैं, केसरी, ये केसरी जो समाचार पत्र था, और मराठा, जैसे ये हमारे लोकमान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। इससे सरकार के नीतियों की आलोचना होने लगी कि भाई हमारे साथ आप भेदभावपूर्ण नीति करते हो, हमको अपने पर जब आती है तो अपनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो कि हम मानवता के इस तरह से अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छी बात करते नहीं हो, भेदभाव करते हो हमारे देश के गरीबों के साथ और किसानों के साथ, नागरिकों के साथ। तो इस तरह से इन समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी। तो आगे चल करके बहुत सारे संगठन जो राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किए उसको एक नए रूप में देने की बात हुई। और देखिए बच्चों नए रूप में किस तरह से ये लोग संगठित हुए अगले में देखता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारे देश में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई की ही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया और उस अधिवेशन में हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और उन्होंने उसमें कोलकाता के विख्यात वकील थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष हुए। अक्सर प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अगर इस तरह के चार ऑप्शन आते हैं तो बच्चों आप हमेशा याद करो कि हमारे देश के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, एक चीज और थी, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना योगदान किए थे। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का विचार रखा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरुआती दौर में बहुत अच्छी सहायता किया। अंग्रेजों के बीच में ऐसे लोग थे जो हमारे इन विचारों को समझ रहे, तो उसमें से थे एओ ह्यूम, शॉर्ट नाम उनका एओ ह्यूम करके हम लोग ने, तो पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और प्रशासन में जो शासन चलाते हैं लोग उसमें हमारे देश के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। अंग्रेज सरकार सेना में जो खर्चा करती है, अधिक व्यय करती है, उस खर्चे में कटौती कर दे, वह लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए उसका उपयोग करे और भारतीयों को भी प्रशासन में नेतृत्व मिले, उनका भी हिस्सेदारी मिले, इस तरह की बात किया। और इन मांगों को लेकर उस अधिवेशन में बात आई और इन मांगों को सरकार के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धरातल से, उस पटल से उसको रखा गया।
तो आगे चल के हम देखते हैं कि इनके उद्देश्य थे क्या थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे कि अलग अलग जो हमारे देश के धर्म, वंश, जाति, ये अलग अलग भागों में बंटा हुआ था। हमारे देश में भौगोलिक विविधता पाई जाती है। आप आज भी देखो, कहीं बर्फ गिरती है तो कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं बाढ़ आई रहती है तो कहीं सूखा रहता है। ये भौगोलिक विविधता है, भौगोलिक विविधता समझ लो आप। कहीं समुद्र का किनारा है तो कहीं बिल्कुल रेगिस्तान है। तो ऐसी चीजों को हम भौगोलिक विविधता के अंतर्गत रखते हैं और इसका हमारे जनजीवन पर, जीवन पर बहुत असर पड़ता है बच्चों। तो धर्म, जाति, वंश और भौगोलिक प्रदेशों का जो भेदभाव था, उस सब चीजों को भूल जाए और सबको एक मंच पर लाना, एक कांग्रेस का उद्देश्य। पूरे राष्ट्र, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सबको एक सूत्र में बांधना, ये कांग्रेस का उद्देश्य था। और एक दूसरे की समस्याओं पर समझ बूझ कर विचार करना, लोगों में एकता की भावना में वृद्धि, राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि करना और राष्ट्र राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें प्रयास करना, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। आगे देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और वहां से लेकर के 1905 तक का ये जो कालखंड है, ये नरम दल कांग्रेसियों का कालखंड माना जाता है। हमारे उस समय के कांग्रेस के जो नेता थे वो यथार्थवादी थे, जो सच्चाई को देखते थे, और उच्च यथार्थ माने सामने जो प्रत्यक्ष है, रियलिस्टिक बातों पर विश्वास करने वाले, उसे यथार्थ यथार्थवादी कहते हैं। तो वे उच्च शिक्षित थे, काफी पढ़े लिखे थे उस जमाने में। उनका मानना था कि संगठन का निर्माण सुदृढ़ ही होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिससे कुछ इधर उधर की बातें आए तो डगमगाए नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजों की नीति को देख रहे थे। अंग्रेजों की नीति क्या थी? वो डालो राज करो, हमारे ही देश के लोगों के बीच में आपस में वैमनस्य फैलाओ और फिर राज करो, ऐसी उनकी नीति थी। उन पर पश्चिमी बुद्धिजीवियों के उदार मतवादी सिद्धांतों का तथा स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों का बहुत प्रभाव था और उन्हें कानून के मार्ग पर चलने में विश्वास था। किसको? जो नरम दल के नेता। और नरम दल के नेता कौन थे, ये हमें देखना है। नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का गुरु माना जाता है। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये हमारे नरम दल के नेता थे। और नरम दल के नेता का विचार था, इन नेताओं का विचार था कि हमें स्वतंत्रता और बंधुता के लिए, उन्हें कानून संबत मार्ग पर चलना चाहते, और कानून और विधि के मार्ग पर चलकर अपनी मांगे रखें और अंग्रेज हमारी मांगों के साथ न्याय करें। इन बातों को लेकर आगे जब बढ़े तो उनकी मांग क्या थी कि प्रांतीय विधि मंडल में हमारे देश का प्रतिनिधित्व हो, जनता का प्रतिनिधित्व हो। जो उस समय के प्रांतों को बांटे थे, वहां जो कानून बनाने वाले थे उसमें अंग्रेज ही ज्यादा थे, नियम कानून सब वही बनाते थे। तो उन कांग्रेस की मांग थी कि उनमें हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए। शिक्षित भारतीय जो थे उस समय, उनको भी नौकरियां मिले। आज हम आईएएस की जो परीक्षाएं देते हैं, उस जमाने में भारतीयों को अलाउ नहीं था और तमाम तरह की परेशानियां थी, उसको आईसीएस बोलते। और उस समय जो उम्र थी 18 साल ही रख दिया, तो 18 साल की उम्र में जल्दी कोई उसको पास नहीं कर पाते थे। इससे हमारे देश के लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थी, तो
शिक्षित भारतीयों को नौकरियां मिले, ये बात रखी गई। जो सेना पर अधिक खर्चा हो उसको कम किया जा सके, लोगों का जो कानूनी अधिकार है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, ये कांग्रेस की मांग थी। और कार्यपालिका न्यायपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका आप नागरिक शास्त्र में पढ़ चुके हो बच्चों, थोड़ा समय बता देना चाहता हूँ। कार्यपालिका जैसे जो हमारे कार्य प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में प्रशासन और शासन का काम करते हैं इसको कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका में जो विसंगतियां आती हैं, जहां अन्याय जैसी बात होती है, उस बात को लेके जब हम कहीं जाते हैं तो ये हमारी न्यायपालिका हो जाती है। तो आप समझिए, अगर उदाहरण देखा जाए तो कार्यपालिका के रूप में हमारे देश में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है, और न्यायपालिका में जैसे राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ये सब चला आता है। तो ये बातें तब कांग्रेस के लोगों ने रखा था कि इसको अलग अलग किया जाए। ये विभिन्न प्रस्ताव हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने उस अधिवेशन में रखे थे। इस तरह से कांग्रेस अब वो रखे, लेकिन फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की जो नीति थी वह देखो वहां पर भी चल रही थी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करते थे। लेकिन कांग्रेस का जो 1905 से लेकर के 1920 का कालखंड हम देखते हैं, इस समय कांग्रेस के एक दूसरे गुट का ज्यादा प्रभाव दिखता है। उसमें भी कुछ अलग विचार के रखने वाले भी लोग थे, उसमें गरम दल का कालखंड दिखता है। पहला क्या मैंने बताया, 1885 से लेकर के 1905 तक नरम दल, जिसके प्रमुख नेता थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बरन जी, ये लोग प्रमुख नेता थे। लेकिन अब देखिए वही कांग्रेस अब जो 1905 से 1920 में आती है तो इसमें गरम दल का कालखंड दिखाई देता है। इस समय ये ऐसे नेता थे जो राजनीतिक रूप से जागरूक तो सभी थे, और सबका मानना था कि जाति भाषा प्रांत को परे रखकर अलग हटा करके राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर इकट्ठे होकर के हमें कार्य करना चाहिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों और कानूनी आंदोलन में हमें भाग लेना चाहिए, और शांतिपूर्वक कानूनी मार्ग का अनुसरण करने वाले नेता नरम दल माने गए, और स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करना चाहिए, तेज संघर्ष करना चाहिए, यह मांग हमारे गर्मपंथी नेता रखते थे, और यह विचार जिसके मन में आए वो गर्मपंथी नेता कहलाए। अब इसमें कौन कौन थे इसे भी हमें देखना चाहिए। गर्म दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये गर्म दल के प्रमुख नेता थे, और लाल पाल बाल ऐसा साठ फार्म में बोला जाता था, लाल बाल लाल और पाल, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये उस समय के पढ़े लिखे और अच्छे नेता थे। इनका विचार था अंग्रेजों से हमारा जो आंदोलन है उसमें और गति देना चाहिए, और तेज संघर्षपूर्ण बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, और इनके चलते शुरू में गर्मपंथी जो नेता थे भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से, राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी मांगों का उन्होंने अवलंबन किया। और देखिए गर्म दल का उद्देश्य क्या, उनका कहना था कि हमारे राष्ट्रपुरुषों के कार्यों द्वारा जो साधारण लोगों को प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य के लिए लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और गणेशोत्सव जैसे पर्वों का आयोजन कराया। आज जो हम गणेशोत्सव गणपत बप्पा मौर्या करते हैं, अभी हमारे यहाँ चल रहा है, कोरोना के चलते थोड़ा